एग्रीकल्चर की फील्ड में फसल की उपज और पैदावार दोनों को बढ़ाने के लिए हर रोज नए नए तरह के आविष्कार हो रहे हैं। साथ ही कई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी तेजी से हो रहा है। ऐसी ही तकनीक में हाइड्रोपोनिक्स खेती भी शामिल है। हाइड्रोपोनिक खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े लोगों का इंटरेस्ट हाइड्रोपोनिक्स में बढ़ता जा रहा है। और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि किसी भी पौधे को विकसित होने के लिए सनलाइट, पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस और कंट्रोल टेम्परेचर में भी पौधों को उगाया जा सकता है। साथ ही आपको जरूरत होगी न्यूट्रिएंट्स की। इसे ही हम हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं हाइड्रोपोनिक्स बिजनेस की। साथ ही यहां हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप इस बिजनेस में कैसे शुरुआत कर सकते हैं और कितना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर हाइड्रोपोनिक्स के ग्लोबल मार्केट साइज की बात करें तो साल 2018 में ये 1.33 बिलियन डॉलर्स आंकी गई थी, जो साल 2025 तक 22.52% के CAGR के साथ बढ़ेगा। और इतना ही काफी है आपको ये समझाने के लिए कि इस इंडस्ट्री में आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको जानकारियों की जरूरत होती है, जो आप तक पहुंचाता है IID। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री की और जानने की कोशिश करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के इन एंड आउट्स के बारे में और आपके लिए बिजनेस की राह के बारे में। मेरा नाम सोम कुमार है और मैं एक्वाहाइट का को फाउंडर हूँ। हमारी कंपनी बेसिकली हाइड्रोपोनिक कमर्शियल फार्म इंस्टॉल करती है फॉर दी अर्बन फार्मर्स। कमर्शियल फार्म्स मींस जो ये अर्बन सिटीज़ हैं, लाइक मेट्रो सिटीज़ हो गए, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे खेती करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती। तो इसके लिए ही ये जो हमारी कंपनी है इन बड़े शहरों में अर्बन फार्म्स लगाती है, जो कि कम जगह पे हम काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स कर सकते हैं कंपेयर्स टू जो मिट्टी में होती है। हमारी कंपनी मोस्टली हाइड्रोपोनिक फार्म पे ही वर्क करती है, जो कि एक सोयलेस टेक्नोलॉजी है। हालांकि सोयलेस टेक्नोलॉजी और भी होती है, बट वी मोस्टली वर्क ऑन हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी ओनली। इसमें हम बिना मिट्टी की खेती करते हैं, जिसमें हमें मिट्टी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हम इसमें सिर्फ पानी का यूज करते हैं और पानी में जिस मात्रा में हमें मिनरल्स चाहिए वो हम मैनुअल मिलाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। बिजनेस में अब कंफ्यूजन और नहीं, IID की कंसल्टेंसी सर्विस से पाएं बिजनेस की सही गाइडेंस। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम फार्मिंग जो कर रहे हैं वो अनसीजनल क्रॉप की कर रहे हैं या सीजनल क्रॉप की कर रहे हैं। अगर हम लोग अनसीजनल क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें एक पॉली हाउस चाहिए होगा जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा हो। हम उसे टेम्परेचर कंट्रोल पॉली हाउस कहते हैं या ऑटोमेटेड पॉली हाउस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, जैसे फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं, पैड होते हैं, सर्कुलेशन फैंस होते हैं, फॉगर्स होते हैं, चिलर्स होते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट लगी होती है। उससे क्या होता है कि जो अंदर का तापमान है वो बाहर के तापमान से लगभग 5 से 10 डिग्री कम हो जाता है। उससे हमें ये मदद मिलती है कि जो अनसीजनल क्रॉप है, जैसे सलाद पत्ता है, वो हम सिर्फ ठंड में कर सकते हैं अगर हम कन्वेंस फार्मिंग में करें तो। लेकिन वही अगर हम उसे टेम्परेचर कंट्रोल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक तकनीक के थ्रू करते हैं तो वो हम अनसीजनल भी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो न्यूट्रिशंस है, जो मिनरल्स हैं, हमें वो चाहिए, क्योंकि वही हमारा प्लांट का खाना होता है जो कि मिट्टी में होती है। हम वही चीज़ हम पानी में मैनुअल तरीके से देते हैं, तो न्यूट्रिशन तो सबसे बड़ी रॉ मटेरियल्स हो गई। उसके अलावा हम क्ले बॉल्स का यूज करते हैं, कोकोपिट का यूज करते हैं, साथ में हम ओएसिस क्यूब्स होते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं, उसका भी यूज करते हैं, जिसमें हम सीड से पौधे की पैदावार करते हैं, फिर उस पौधे को हम अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डालते हैं। उसके अलावा कुछ और भी तकनीक है आजकल, जैसे परलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, इन चीज़ों का भी प्रयोग कुछ कुछ जगह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में किया जाता है। इसके सेटअप के लिए सबसे पहले तो हमें पॉली हाउस बनाना पड़ता है। पॉली हाउस के लिए हमें GI पाइप्स की, माइक्रोन फिल्म की ज़रूरत पड़ती है, फिर जैसे मैंने बताया फैन पैड वगैरह, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बार जब पॉली हाउस बन जाता है, उसके बाद उसके अंदर हम लोग हाइड्रोपोनिक इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ फूड ग्रेडेड चैनल्स की यूज करते हैं। फूड ग्रेडेड चैनल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम पानी का जब फ्लो करते हैं तो उसी पानी को ये प्लांट कंज्यूम करके ग्रो करते हैं। तो ये पाइप फूड ग्रेड होने चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल PVC पाइप में इसको ग्रो करते हैं तो PVC पाइप में बहुत सारे हजारडियस सब्सटेंस होते हैं,
तो इसीलिए हम लोग पीवीसी पाइप को नहीं प्रमोट करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमेशा फूड ग्रेड पाइप में ही यूज करो। इसके साथ में जो भी प्लम्बिंग मटेरियल्स हो वो सारे यूपीवीसी हो, कोई पीवीसी ना हो। ये जब एक बार पाइप की सेटअप हो जाती है, इरिगेशन की सेटअप हो जाती है, उसके बाद हमें पहले बीज से पौध तैयार करना होता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले सीडिंग ट्रे लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा कोकोपीट मिलाते हैं। कोकोपीट मिलाने के बाद में हम उसमें सीड्स को डालते हैं। वो सीड्स लगभग 10 से 12 दिन का समय लेता है बाहर आने में। जब उस बीज से जब वो पौधा बाहर आता है तो हमें ये देखना होता है कि उसमें ट्रू लीव्स आए हैं या नहीं। ट्रू लीव्स मीन्स 3 से 4 पत्ते। अगर 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं तो फिर उसे हम मेन हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डालते हैं, जहाँ पे पहले से हम वाटर और न्यूट्रिशन का फ्लो बनाए रखते हैं। एक बार जब पानी में न्यूट्रिशन आ जाता है और पौधे उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वो प्लांट ऑटोमेटिकली उन न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने लगते हैं और वो लगभग 28 से 35 दिन के बीच में ग्रो हो जाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कम से कम हमें 1000 स्क्वायर फीट जगह तो कम से कम चाहिए, और बड़े में जैसे मैंने कहा आप 1-2 एकड़ में भी लगा सकते हो। छोटे फार्म में तो आपको सिर्फ एक ही बंदा चाहिए जो कि हर चीज को सुपरवाइज और मैनुअली काम कर लेगा, बट बड़े फार्म में आपको कम से कम एक सुपरवाइजर चाहिए जो कि काइंड ऑफ एग्रोनॉमिस्ट हो, उसके अंडर में 4 लोग हों जो कि हार्वेस्टिंग सीडिंग वगैरह इन चीज़ों का काम देखें। तो अप्रोक्स उसमें 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, इसमें एक आपका सुपरवाइजर और एग्रोनॉमिस्ट के पोस्ट को संभाल सकता है। अगर हम इसमें लागत की बात करें तो उसकी लागत अप्रोक्स 7.5 से 8.5 लाख रुपये आती है, जिसमें वो आसानी से महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास की कमाई कर सकता है। अगर हम बड़े कमर्शियल फार्म की जो कि 1 एकड़ में 2 एकड़ 3 एकड़ में हो तो उसकी लागत नियर अबाउट 1.25 करोड़ के आसपास की आती है, जो कि आपको 96,000 से लेकर 1 लाख पौधे की पैदावार दे सकती है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सोया पनीर और मैक्रोनी जैसे 100 से भी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए IID से जुड़े, डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। अगर हम बिजली की खपत की बात करें हाइड्रोपोनिक में, अगर हम 1000 स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो नियर अबाउट जो हमारा खपत है वो आप लेके चलो हमें 2 से 3 किलोवाट की बिजली लगती है। अगर हम मंथली की बात करें एक अप्रॉक्स में तो लगभग 2 से 2.5 हज़ार की आपकी बिल आ सकती है अगर आप पूरे दिन फार्म चला रहे हो तो। वही हम कमर्शियल में जाते हैं तो ये खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि वो फार्म काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कम से कम 25 से 30 किलोवाट की बिजली की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट में जैसे मैंने पहले ही बताया कि नियर अबाउट आपको 12 से 15-20 हज़ार के आसपास की प्रॉफिट हो जाती है अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो। वही हम बड़े फार्म की बात करें तो उसमें नियर अबाउट आपके 5 से 8 लाख के आसपास की इनकम हो सकती है अगर आप उसमें अच्छे तरीके से आप उसकी सप्लाई चैन कर रहे हो तो। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और मैं लोगों को कहूँगा कि वो इसको ज़रूर यूज करें क्योंकि इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स है जैसे मैंने बताया है, और इसके फायदे पूरे देश को मिलेगा अगर हम धीरे धीरे हाइड्रोपोनिक की तरफ शिफ्ट करते हैं तो। अगर किसी को भी हाइड्रोपोनिक की नॉलेज चाहिए या फार्म इंस्टॉल करवाना हो तो वो हमारी कंपनी को IID के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम उनको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि हाइड्रोपोनिक्स और इसके बिजनेस की जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई उससे आप संतुष्ट होंगे और आप भी इस फील्ड के अंदर आकर अपना व्यापार शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे, देश के विकास में अपना सहयोग देंगे और साथ ही साथ आप 2-4 एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं जिससे हमारे देश की GDP के साथ साथ हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ, नए इंडस्ट्रियल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं राहुल झा आपसे लेता हूं अलविदा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।